इमली एक कप ली है, अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 खाने के चम्मच, बेसन 3 खाने के चम्मच, सॉल्ट ऐड करेंगे 1 चाय की चम्मच, जीरा हम ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच, पीसी हुई अजवाइन ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच, डन। 1 चम्मच नींबू ऐड करेंगे, नींबू का पेस्ट। अब हम स्पाइसी करने के लिए लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 चम्मच और दड़ा मिर्च ऐड करेंगे 1 चम्मच, सूखा धनिया भी हम ऐड करेंगे 1 चम्मच। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मसाला हमारा रेडी हो गया है, अब हम फिश को लगा लेंगे अपना मसाला। मसाला हमारा रेडी हो गया, अब हम मसाले को जो है वो फिश में लगा लेंगे। 1 किलो फिश ली है हमने, 1 किलो फिश के मुताबिक हमने जो है वो मसाला तैयार कर लिया था, अब हम मसाला ऐड कर देंगे इसमें। अब हम इसको 24 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। मसाला हमने अच्छी तरीके से लगा लिया है, अब हम इसको 24 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। लौरी मसाला हमने लगाया है, बिल्कुल टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार मसाला लग रहा है, और मैरिनेशन होने के लिए हमने 24 और के लिए इसको छोड़ देना है। 24 घंटे पूरे हो गए हैं मैरिनेट के प्रोसेस को, तो अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई में हमने ऑयल डाल लिया था और ऑयल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो गया, और अब हम फिश को फ्राई करेंगे।